हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश व्यास, यूबी योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स के आज क्वेश्चन आए हैं, आज क्या कहूँ, कल आए थे, आज वाले तो अभी बिल्कुल वेटिंग में हैं। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। आज जिन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलोड, क्लेडोड, क्लेडोफिल एंड फाइलोक्लेड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट वन फिलोड। आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश ना करें, जब भी डेफिनेशन की बात हो तो मैक्सिमम कोशिश करें कि जितनी शॉर्ट डेफिनेशन हो उतनी आप मेमोरी में रखें, ठीक है ना। फिलोड, व्हेन पिटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ, ये लीजिए, मैंने यहां इसकी डेफिनेशन दे दिया। पिटियोल मॉडिफाइड लीफ, जब मैं कहता हूं पिटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ, तो इसका मीनिंग क्या है कि इट बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। मेरे कहने का मतलब क्या है, लीफ का मीनिंग क्या है, ग्रीन प्लस फोटो सिंथेटिक। ठीक, अगर मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखिएगा डायग्राम इसका, दिस वन इज द प्लांट और ये उसका स्टेम है या ब्रांच है। यहां से मैंने क्या काम किया, एक लीफ है, बट इस लीफ का पिटियोल देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है, फ्लैट, और यहीं से ठीक ये एंटायर लीफ है, लेकिन दिस वन इज द पिटियोल, और पिटियोल कैसा हो गया है, फ्लैट एंड लीफ लाइक। हालांकि इसकी जो बाइपिनेट लीफ है वो भी देखो आपके सामने दिख रही है, बट पिटियोल भी कैसे हो गया है, फ्लैट ग्रीन एंड लीफ लाइक, और इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ए का मीनिंग है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ठीक, सेकंड क्लेडोड, तो नेक्स्ट वन देखते हैं क्लेडोड, और इसी को बोला जाता है क्लेडोफिल। आपने इन दोनों को देखिए अलग अलग मेंशन कर रखा है, ये अलग अलग नहीं है कि आप बोल दें ये दोनों एक ही चीज, ये साइनोनिम है एक ही टर्म के। क्लेडोड, व्हेन स्टेम और ब्रांच मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट देयर आर Only one or two node or internode, ठीक। जैसे मैं कहूं ये लीजिए, ठीक है, एक और बना देता हूं, ये लीजिए, बस आप ऐसा ना करें केवल एक ही, देखो फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, ये लीजिए, मैंने कहा क्या है ये, व्हेन स्टेम और ब्रांच मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा लीफ लाइक हो गई है, ठीक है, बट यहां पे देखो मैंने क्या काम किया हुआ है, केवल एक ही क्या है इंटरनोड बनाया हुआ है। यहां पे मैंने यहां दिस वन इज द नोड, यहां पे भी एक नोड होगा, दो नोड हैं एंड दो इंटरनोड है, ठीक। इसका एग्जांपल है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, व्हेन स्टेम और ब्रांच मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक
structure. But आप देखेंगे नोड एंड इंटरनोड कैसा है, सिंगल सिंगल आप याद रखें बस. नोड एंड इंटरनोड क्या है, एक ही एक है बस, दूसरे की आप बात ही मत करें. इसका एग्जाम्पल मैं आपको मेंशन कर देता हूं. एग्जाम्पल है रस्कस एंड सेकंड है एस्परेगस. ठीक, रस्कस एंड एस्परेगस. ठीक, सेकंड बात करते हैं किसकी, फाइलोक्लेड. इसको ठीक उल्टा बोलो इसके. When stem or branch modified into leaf-like flattened structure, but node and internode are many. मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं. देखिए अपंसिया में मिलेगा ये, देखिए ये अपंसिया है. इसका स्टेम और ब्रांच कैसी हो गई है, फ्लैटेंड, और इसकी लीव्स ये देखिए कैसे हो गई हैं, स्पाइनी. ये ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने का एक क्या है, मैकेनिज्म है. अब देखिए यहां पे जो मैंने, दिस वन इज द नोड एंड दीज आर 1, 2, 3, 4 यानी मेनी इंटरनोड, सॉरी नोड्स. ये क्या हुआ, एक इतना इंटरनोड, ये दूसरा इंटरनोड, और यहां पे ये क्या है, नोड्स. तो इसमें नोड एंड इंटरनोड मैंने कितने बनाए हैं, मेनी. ठीक, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं. व्हेन स्टेम और ब्रांच modified into leaf like structure but node and internode are many. Node and internode कैसे हैं, ज्यादा हैं. और इसका एग्जाम्पल है ये लीजिए अपंसिया, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नागफनी. ठीक, तो ये रही बात फिलोड, क्लेडोड और क्लेडोफिल. यहां मैंने क्या बोला, फाइलोक्लेड. एक एनसीईआरटी और एग्जांपल बोल रही है, मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं, कैजोराइना. कैजुआराइना, बस फर्क है इसमें थोड़ा सा कैसे है, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्टेम और इसमें साइलेंड्रिकल है, बस इतना सा फर्क है. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिलोटैक्सी. तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिलोटैक्सी. फिलोटैक्सी मींस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. तो देखिए मैं सिंपल वे में लिख देता हूं, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. ये लीजिए, यानी एक स्टेम में या ब्रांच में किस पैटर्न में क्या है, अरेंज्ड. ये मेनली थ्री टाइप की है. फर्स्ट वन अल्टरनेट, सेकंड अपोजिट एंड थर्ड हॉर्न. ये लीजिए, मैं इनके डायग्राम बना देता हूं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. देखिएगा
This one is the stem or branch. यहाँ भी मैं एक stem or branch, यहाँ भी एक stem or branch बना देता हूँ. अब मैं leaves बना रहा हूँ. देखिए, single leaf from single node, ये लीजिए. देखो, एक नोड से केवल एक ही लीफ निकली हुई है. नेक्स्ट सक्सेसिव इंटरनोड से दूसरी लीफ निकली है, बट अपोजिट डायरेक्शन में निकली हुई है. थर्ड लीफ देखो क्या है कि नेक्स्ट सेकंड वाले के अपोजिट डायरेक्शन में निकली हुई है. फोर्थ लीफ थर्ड वाले के अपोजिट डायरेक्शन में निकली हुई है. दिस वन इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब यहां अगर देखो तो थर्ड लीफ फर्स्ट के सामने है एंड फोर्थ लीफ सेकेंड के सामने है. या मैं उल्टा बोलूं, फर्स्ट लीव थर्ड के सामने है, सेकेंड लीव फोर्थ के सामने है. ठीक, दिस वन इज द अल्टरनेट. और इसके अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है उनकी अपन बात कर लेते हैं. तो अगर इनके एग्जाम्पल देखेंगे अल्टरनेट के, तो एक तो आप बोल दे चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हिंदी में बोलते हो गुड़हल. नेक्स्ट मस्टर्ड, एंड नेक्स्ट जो उसने एग्जाम्पल दिया है वो है सनफ्लावर, ये लीजिए. बट देखो, आप ऐसे याद रखोगे तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो जाएगी. आप इसके मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ये लीजिए. आप केवल चाइना रोज की बात क्यों करते हैं? आप केवल सनफ्लावर की बात, मस्टर्ड की बात क्यों करते हैं? मैं वीट बोल सकता हूं, ग्राम बोल सकता हूं, पी बोल सकता हूं. दुनिया भर के प्लांट हैं जिनमें क्या है, अल्टरनेट क्या है, फिलोटैक्सी है. अगर मैं सेकंड की बात करूं अपोजिट, तो देखिएगा एक लीफ ये है और उसी नोड से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लीफ निकली हुई है, ये लीजिए. मींस एक ही नोड से अपोजिट डायरेक्शन में दो लीफ निकल रही है. ये अपोजिट है, ये अपोजिट सुपर इंपोज्ड है. अगर आप ऊपर से देखना चाहेंगे, सबसे टॉप वाली लीफ से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बॉटम वाली लीफ आपको नहीं दिखेगी. लेकिन अगर कैलाट्रोपिस में देखेंगे तो सुपर इंपोज नहीं है, उसमें डिकसेट है. डिकसेट देखो, मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको. दिस वन इज द स्टेम और ब्रांच ऑफ कैलाट्रोपिस प्रोशेरा. यहां से देखिएगा, ये लीजिए. ठीक, यानी अगर आप इनके अरेंजमेंट को देखेंगे तो एक लीफ अगर एक डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर वाली उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से निकली हुई है. ठीक अपोजिट डायरेक्शन है, यानी सुपर इंपोज नहीं कर रही है. ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी उसने वही दिए हैं. देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक आप मेंशन कर सकते हैं गुआवा, एंड सेकंड एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं कैलो ट्रॉपिस. ये है अमरूद और ये है आंकड़ा. अब अगर मैं हॉल की बात करूं तो एक ही नोड से मेनी लीफ अराइज कर रही हैं. ये देखिए, मेनी लीफ अराइजेस फ्रॉम सिंगल नोड, इसको मैं बोलता हूं हॉल्ट. और एनसीईआरटी ने जो इसका एग्जाम्पल दिया है दैट इज द एल्स्टोनिया. इसका जो एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया. और अगर आप दूसरा बोलना चाहें तो रेड ओलियंडर, रेड ओलियंडर. ओलियंडर मीन्स होता है कनेर, लाल कनेर. चलिए, तो ये बात रही आपकी किसकी, फिलोटैक्सी की. सेकंड पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म. तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, बात करते हैं किसकी, पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म इज द
remnant of nucellus. ये लीजिए मैं mention कर देता हूं, remnant of nucellus. जनरली न्यूसिलस क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी ये कुछ प्लांट्स में कैसा रहे, रेमनेंट रहे, तो इसको मैं बोल देता हूं पेरिस्पर्म. मैं एग्जांपल के साथ साथ डायग्राम भी देखो आपको बना के दिखा देता हूं. दिस वन इज द ओव्यूल, ये मैंने ओव्यूल बनाया हुआ है. दीज आर इंटेगुमेंट्स, आउटर एंड इनर. देन इसके बाद दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, एग सेल, सिनर्जिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स. ठीक, ये मैंने एक एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया हुआ है. यहां अगर आप देखेंगे दिस वन पोर्शन, यहां दिस वन इज द न्यूसिलस, ये जो पोर्शन मैंने फिलअप किया हुआ है यह है न्यू सीलस. ठीक, जब भी क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल फर्टिलाइज होगा, तो देखो दिस वन इज द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आ रही है और इन दो सिनर्जी सेट को रप्चर करती हुई जाएगी. एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस को. तो ये बन जाएगा PEN, पेरिस्पर्मिक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और एग सेल कन्वर्ट हो जाएगी जाइगोट में. ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ये क्या काम करेगा, इस न्यूसिलस से न्यूट्रिशन लेगा, और एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो अगर ये बचेगा तो एम्ब्रियो भी क्या काम करेगा, इससे न्यूट्रिशन ले लेगा. इसका मतलब न्यूसिलस क्या हो जाएगा, फिनिश. लेकिन अगर फिर भी कुछ प्लांट में ये कैसा रहता है, रिमेन एज अ रिमनेंट, तो फिर उसको मैं बोल देता हूं, ये देखो ये लिखा हुआ आपके सामने पेरिस्पर्म. और इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक तो है ब्लैक पेपर एंड सेकेंड है बीट. बीट, सुगर बीट भी आप बोल सकते हो, चुकंदर भी आप बोल सकते हो. तो एक तो है ब्लैक पेपर इसका एग्जाम्पल, दूसरा क्या है बीट. फिर से आप सुन ले कि न्यूसिलस जनरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट के दौरान क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है. लेकिन अगर फिर भी ये न्यूसिलस रिमेन रहता है, शेष रहता है, तो इस रेमनेंट को ही मैं क्या बोल देता हूं, पेरिस्पर्म. अब मैं बात करूं एंडोस्पर्म की, तो देखो ये मैंने अभी बोला है दिस वन इज द पीईएन, और पीईएन आगे डेवलप होकर के कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म. ठीक, और ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा, ये जो जाइगोट है ये डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो. ठीक, तो ये एंडोस्पर्म क्या काम करेगा, बाद में इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रोवाइड करेगा क्या, न्यूट्रिशन, यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड डिप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर ये रह जाता है तो उसको मैं कह देता हूं एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म का फंक्शन समझ गए कि जनरली एंडोस्पर्म क्या काम करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड इफ रिमेन देन इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्मिनेटिंग सीड. अब सीड दो तरह के हो गए, एक तो एंडोस्पर्मिक, दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक. तो अगर मैं बात करूं किसकी, सीड, इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं अगर आपको याद हो, तो एक तो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और सेकंड है एंडोस्पर्मिक सीड. इसमें बोलता हूं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जाम्पल है मोस्टली डाइकॉट्स. एक्सेप्शन दिखाता हूं मैं आपको, पहले भी शायद मैं बोल चुका हूं एक्सेप्शन, ये सबसे मेन काम एक्सेप्शन आपको बहुत बढ़िया याद रखने हैं. यानी मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं कहूं कैस्टर,
एंड दूसरा है सनफ्लावर बास, आप इतना याद रखें। ये दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, ये दोनों एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी पूछ सकती है। ठीक, अगर मैं एंडोस्पर्मिक की बात करूं तो आप कहेंगे मोनोकोट्स, मोनोकोट्स में ये मिलेंगे। अब आप कोई भी एग्जांपल मोनोकोट के आप दे सकते हैं, जैसे मैं कहूं वीट, राइस, मैज, कोई भी आप ले, वो सारे कोकोनट, ये लीजिए कोकोनट, तो ये सारे कैसे हैं एंडोस्पर्मिक। चलिए इसकी कहानी फिनिश। मल्टी मेगास्पोरेंजिएट प्लांट्स, तो देखिए पहली बात तो एक ध्यान दे लीजिए, जब मैं कहता हूं मेगास्पोरेंजिए, मेगास्पोरेंजिया, तो इसका मतलब होता है ओव्यूल। अब इसको आप ऐसा समझिए कि एक ओव्यूल में मेनी सीड किसमें हैं, तो मैं उसके एग्जांपल आप जैसे आप कहें पपाया, दूसरा वाटर मेलन, यही नहीं एनसीईआरटी ने दिया है ऑर्किड, ये लीजिए, ये ऐसे प्लांट है जिनके एक ओवरी में मेनी ओव्यूल मिलेंगे। फाइबर फैमिली, तो आपको एक लाइन बोलना है मालवेसी, ये लीजिए मालवेसी इज द फाइबर फैमिली। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, इनफैक्ट बोथ, ये लीजिए आंसर क्या बोथ। अब आपको लगेगा बोथ कैसे, तो मैं कहूंगा ये मेल की यूरेथ्रा में भी इन्फेक्ट करता है, हालांकि फीमेल की वेजाइना में तो करता ही है। आपको टर्म से ऐसा लग रहा है कि ये वेजाइना में ही क्या काम करेगा, इन्फेक्शन करेगा, बट मेल यूरेथ्रा में भी करता है। ओके, थैंक यू, द बेस्ट।